अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, दिस इज़ सर नसीम ज़ुल्फ़िकार। सो आज हम ECAT MDCAT के लिए 2023 के लिए जो है वो चैप्टर वन स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में। वैसे हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर वन, इसमें मैंने आपको दो लेक्चर्स इससे पहले दे दिए हैं। एक लेक्चर था बेटा एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिकुलर फार्मूला का, और एक लेक्चर मैंने दिया था मोल एवोगाड्रोस नंबर एंड मोलर वॉल्यूम। अच्छा खासा उस पर वर्क कर चुके आई थिंक सो। अब आपको और मुझे कोई नीड नहीं है कि उसके ऊपर हम वर्क करें, ठीक है ना, और आपको भी कोई नीड नहीं है, और ना ही आप कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपसे नहीं बन सके उन टॉपिक्स के अंदर से, ठीक है। इस तरह से आज हम टोटल जो है वो देखने वाले हैं स्टोइकोमेट्री, और स्टोइकोमेट्री के हवाले से कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ हमारे पास MCQs है 15 to 20, वो हम डिस्कस करेंगे और वन बाय वन एक एक MCQs आएंगे। स्टोइकोमेट्री किसे कहते हैं, दो वर्ड से निकला है स्टेशो और मेट्री, तो दो वर्ड से ये हमारे पास निकला है। एक वर्ड हमारे पास है स्टेशो और एक वर्ड हमारे पास है मेट्री, तो दोनों हमारे पास यहाँ पर एक्चुअली जो है वो ग्रीक वर्ड्स कह सकते हैं आप उनको, ये ग्रीक वर्ड्स हैं स्टेशो और मेट्री। स्टेशो के मतलब होते हैं एलिमेंट, और मेट्री के मतलब होते हैं दैट इज़ कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट्स दैट इज़ कॉल्ड स्टेशोमेट्री, तो कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट्स दैट इज़ कॉल्ड स्टेशोमेट्री। तो स्टेशोमेट्री असल में एक मेथड है, इट इज़ अ मेथड बाय विच वी कैन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय मीन्स ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए जब हम रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की अमाउंट को मालूम कर रहे होते हैं बेटा, तो उसको कहा जाता है स्टोइकोमेट्री, ठीक है। अब बेटा स्टोइकोमेट्री के अंदर हम लोग, हमारे पास रिलेशनशिप्स होती हैं जिसको हम कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास तीन तरह के रिलेशनशिप्स आप सब जानते होती है। एक रिलेशनशिप हमारे पास कहलाता है मास मास रिलेशनशिप, एक कहलाता है मास वॉल्यूम, और तीसरा हमारे पास कहलाता है दिस इज़ कॉल्ड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास मास में क्या होता है बेटा, मास गिवन होती है और मास रिक्वायर्ड होता है। मास वॉल्यूम में मास गिवन होता है और वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है, और वॉल्यूम वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम गिवन होता है और वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास तीन बेसिक रिलेशनशिप बनती हैं, कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास स्टोइकोमेट्री को जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही स्टोइकोमेट्री होती है। दूसरी कंडीशन क्या बेटा, कि रिएक्शन हमेशा इरिवर्सिबल होना चाहिए, रिवर्सिबल इक्वेशंस पर कभी भी स्टोइकोमेट्री अप्लाई नहीं होती, वहाँ पर एक अलग चीज़ अप्लाई होती है इक्विलिब्रियम, तो वो दैट इज़ KC वो अप्लाई होती है उस पर, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई होता है उसके अंदर, वो अलग चीज़ है। तीसरी चीज़ के कोई साइड रिएक्शंस नहीं होने चाहिए, मतलब जब हम एक इक्वेशन स्टोइकोमेट्री जब कर रहे होंगे तो हम ये सपोज कर रहे होंगे कि सिर्फ यही इक्वेशन चल रही है और जो रिएक्टेंट्स हैं वो गिवन रिएक्टेंट्स के अलावा किसी और आउटसाइड सराउंडिंग के रिएक्टेंट से रिएक्शन नहीं कर रहे, ठीक है, तो साइड रिएक्शंस को इग्नोर करना पड़ता है। तो ये तमाम एजम्पशंस हैं हमारे पास स्टोइकोमेट्री की, जब भी हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स या MCQs को सॉल्व करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जस्ट इसके बाद ये होता है कि मेथड्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो वन बाय वन आएंगे, तो मैं MCQs के लिहाज से थ्योरी आपको बताते जाऊँगा, उसकी MCQs के रिगार्डिंग थ्योरी बताऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपने लेक्चर को, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने दिया बस स्टोइकोमेट्री का कि क्या चीज़ होती है, ठीक है, बाकी डिटेल में भी नहीं जाना चाहता, वो थोड़ी बोरिंग बातें होती हैं। न्यूमेरिकल्स MCQs स्टार्ट करेंगे तो इंटरेस्टिंग हो जाता है, मज़ा आता है। ओके, फर्स्ट करते हैं। ऑल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड नो साइड रिएक्शन टेक्स प्लेस आर बेसिक अजम्पशंस व्हाइल डूइंग कैलकुलेशंस फॉर डैश। तो ये हमारे पास किसकी, सी ऑप्शन, यस बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारे पास स्टोइकोमेट्री की अजम्पशंस है, बेसिक अजम्पशंस है, तो सी ऑप्शन। लिमिटिंग रिएक्टेंट एक अलग चीज़ होती है हमारे पास जो आगे जाकर आएगी। लिमिटिंग रिएक्टेंट किसे कहते हैं, दो तरह के रिएक्टेंट होते हैं, या जो पहले ख़त्म हो जाए, जैसे महिलाकर ने बताया कि द रिएक्टेंट विच इज़ यूज्ड अप फर्स्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो पहले ख़त्म हो जाते हैं किसी रिएक्शन में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं द रिएक्टेंट विच फॉर्म्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट जो सबसे कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाता है उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसके बाद थियोरेटिकल यील्ड, ये आपने परसेंटेज यील्ड के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी आप स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशंस करते हुए प्रोडक्ट की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं तो उसको कहा जाता है थियोरेटिकल यील्ड, इसको थियोरेटिकल यील्ड कहा जाता है, ठीक है। और जब एक्सपेरिमेंट करते हुए जब हम क्या करते हैं बेटा, फाइंड आउट करते हैं, तो उस सूरत में क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड थियोरेटिकल यील्ड। तो प्रैक्टिकल यील्ड जो होता है ना, एक्चुअल यील्ड जो होता है वो अलग चीज़ होती है और थियोरेटिकल यील्ड अलग चीज़ होती है। तो ये वो अमाउंट है जो हम स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशन से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ थियोरेटिकल यील्ड। इसी से फिर हम परसेंटेज यील्ड की कैलकुलेशन करते हैं अगर हमें प्रैक्टिकल यील्ड पता हो तो, ठीक है। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा, ठीक है। तो आज के संडे की क्लास इसलिए भी मैंने रखी है कि कल चूँकि क्लास नहीं है मेरी, तो आज हम कंपनसेट कर लें उस चीज़ को ताकि क्लास का लॉस ना हो हमें, ठीक है। तो
सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। शुरू में आसान एमसीक्यूज आते हैं, आपको पता है लेवल ऑफ एमसीक्यूज इस टाइप में आगे बढ़ता है, फिर बाद में आकर थोड़े मुश्किल भी आने शुरू होते हैं जिसको लंबा सॉल्व करना पड़ जाता है। ठीक है, तो शुरू में इतना मसला नहीं है, 8-10 एमसीक्यूज तक ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वैसे बच्चे कहते हैं कि ए ऑप्शन मास वॉल्यूम ना, क्योंकि बाकी हमने पढ़ा नहीं होता। असल में मोल के रिलेशनशिप्स भी हम बना सकते हैं ना, मोल के थ्रू भी कैलकुलेशन की जा सकती है, तो ऐसा कोई मसला नहीं होता। जैसे मोल वॉल्यूम या वॉल्यूम मोल, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये सारी रिलेशनशिप तीन तो बेसिक होती है ना, मास 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 वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, लेकिन हमें मोल्स में भी अमाउंट दिए जाते हैं या मोल्स में भी पूछा जा सकता है। तो मोल भी रिलेशनशिप के अंदर आता है, चूँकि मास और मोल दोनों इंटरचेंजेबल है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सारे ही हमारे पास रिलेशनशिप में, ए ऑप्शन नहीं होगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, दैट्स ऑल ऑफ दिस। तो इसमें पर बहुत सारे बच्चे इसमें ए लगा देते हैं मास वॉल्यूम, जबकि ये भी रिलेशनशिप्स होते हैं। मोल मोल मतलब जैसे मास मास होता है, वैसे ही मोल मोल होता है। ठीक है, मोल गिवन होता है, मोल रिक्वायर्ड होता है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट एमसीक्यूज में पढ़ते हैं, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस स्टोइकोमेट्री कैन बी अप्लाइड टू डैश। क्यों ए में क्यों अप्लाई होगी? बिकॉज ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, बाकी सारे तीनों रिवर्सिबल इक्वेशंस हैं। इसलिए जो हमारे पास सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें स्टोइकोमेट्री का जो स्टोइकोमेट्री अप्लाई हो रही होती है, वरना स्टोइकोमेट्री अप्लाई नहीं होती। कैसे पता आपको ये इरिवर्सिबल है? यस, एरो से पता लगा ना, ये सिंगल हेडेड एरो, ये हमारे पास शो करेगा कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। बाकी बी सी और डी ऑप्शन में आप देख सकते हैं जो एरो है डबल एरो है, ये डबल हेडेड एरो है। तो डबल हेडेड एरो जो शो करता है बेटा, वो सब जानते हैं कि रिवर्सिबल इक्वेशंस को या रिवर्सिबल रिएक्शंस को शो करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लास्क कंटेंस 2 to 4.0 cm क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी, द फ्लास्क कंटेंस अमाउंट ऑफ CO2 गैस डैश। ये असल में मोलर वॉल्यूम का एक क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है, एक फ्लास्क है जिसमें 224 cm क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एसटीपी पर। बताएं कितना अमाउंट, अमाउंट से हमारा मास यहाँ पर कहा जा रहा है, कितना मास कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उसके अंदर मौजूद होगा। तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास, ये तो पुराने उससे आ गया, क्वेश्चन से आ गया हमें आता है कि वॉल्यूम हमारे पास एसटीपी पर अगर हम बात करते हैं, दिस इज मास ओवर मॉलिकुलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.41, ऐसे ही होता है भाई, सिंपल। तो हमें यहाँ पर मास मालूम करना है, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइड बाय 22.41। अब हमें पता है यहाँ पर वॉल्यूम हमें रखना पड़ेगा किसके अंदर बेटा, डीएम क्यूब में रखना पड़ता है, डेसीमीटर क्यूब में। तो या फिर हम इसको सीएम क्यूब में रख दें, कोई भी पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि हम दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाए इसके अंदर, इसको हम रख देते हैं सीएम क्यूब के अंदर। अगर ये हो जाएगा 224 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 डिवाइडेड बाय, ये 22.4 बने ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22000 हो जाएगा, 22410 यही आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई मसला बस समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमने सबको नीचे वाले को सी एम क्यूब बना दिया डीएम क्यूब से। ठीक है, वैसे दोनों को डीएम क्यूब भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि पॉइंट आ जाजाता तो फिर मैं पॉइंट से, वैसे ही मैं कहता हूँ कि शनाप करता हूँ, आप भी पॉइंट से दूर भागा करें जितना हो सके, जब भी कैलकुलेशन पे है पॉइंट से दूर भागा करें, कोशिश करें पॉइंट ना आ जाए। पॉइंट इसलिए आता कि बेटा ऊपर क्या करना पड़ता है, हमें जो है ना वो 224 है ना, उसको जब डीएम क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो ये शायद 0.224 इस तरह से आ जाता। ठीक है, तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 224 वन ज़ा 224 और 224 को 10 से कर दें, किससे कर दें, 1 से तो ये होगा, 100 से कर दें, सही है बेटा, हो जाएगा। देखो 224 वन ज़ा 224, 224 टेन ज़ा कितना हो जाएगा, 2240 ऐसा ही है, और 100 से क्या हो जाएगा, 22400 10 से कट जाएगा, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ से काटते हैं ये, इसको हम कट करते थे 44/100, अगर मान लो ये 44/ अगर ये 10 होता, अगर ये 44/10 होता तो क्या ये 4.4 हो जाता, लेकिन ये 44/100 है तो पॉइंट और पीछे जाएगा, तो 0.44 हो जाएगा ये ग्राम में। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, बी ऑप्शन आ गया। समझ में आई कैलकुलेशन कैसे की मैंने इसमें? ठीक है, तो देखो कोई इतना ज़्यादा मैंने नहीं सोचा, थोड़ा सा बस दिमाग लगाया मैंने, मैंने सोचा कि यार इसको डी एम क्यू बनाएंगे या सी एम क्यू बनाने देंगे, पॉइंट से बच जाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर हमने फॉरनली सॉल्व कर लिया, सही है। तो आप देख सकते हैं आंसर इसका बी आएगा, आंसर की के अंदर 2.44। समझ में आया कैसे हुआ, ये आप भी कर सकते थे, लेकिन ये स्टोइकोमेट्री के बजाय ये मोलर वॉल्यूम का सवाल है। समझ में आया सबको कैसे हुआ? तो यहाँ पर सी एम क्यू वॉल्यूम में दिया हुआ था और आपसे मास पूछ रहा था CO2 का, तो हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले को अरेंज किया, वैल्यूज को पुट किया, आंसर लें। ठीक है,
एनी प्रॉब्लम? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 0.5 मोल ऑफ मैग्नीशियम बर्न्स विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड? अब देखो, ये सवाल है स्टोइकोमेट्री का, यहाँ पर एक्चुअल में दिस इज द क्वेश्चन विच इज रिलेटेड विद स्टोइकोमेट्री. 0.5 मोल मैग्नीशियम बर्न हो रहा है विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच MgO इज फॉर्म? मैग्नीशियम के मोल दिए जा रहे हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड का पूछा जा रहा है ग्राम में कितना बनेगा. हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम इसको रेशो मेथड से भी कर सकते हैं. मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, पहले आप ये चेक कर लें. 2 मोल्स मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम गिवन है और मैग्नीशियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड, इक्वेशन गिवन है आपको यहाँ पर. किसी क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन नहीं भी होती है तो वहाँ पर हमें बनानी पड़ती है, तो मैं सिखा दूंगा कैसे बनाएंगे. तो 2 मोल मैग्नीशियम से 2 मोल MgO बनेगा, इक्वेशन बता रही है बात ये आपको. 0.5 मोल मैग्नीशियम से MgO कितना बनेगा? 0.5 मोल ही बनेगा, सिंपल सी बात है. तो 2 मोल से 2 मोल बन रहा है, 2 मोल इससे ये 2 मोल बन रहा है, तो रेशो मेथड की जरूरत ही नहीं लगाने की. 0.5 मोल से क्या बनेगा? 0.5 मोल बनेगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है. अब 0.5 मोल MgO है, अब मोल्स में नहीं बताना है, किस में बताना है बेटा? मास में बताना है. तो मास हमारे पास बराबर किसके होता है? मोल इंटू मोलर मास. तो मोल हमारे पास है 0.5 और मोलर मास MgO का निकालेंगे, दैट इज 24 प्लस 16, क्या आ जाएगा बेटा? 40 आ जाएगा. तो 0.5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? आधा हो जाएगा इसका, तो 20 आ जाएगा. ऑप्शन सी करेक्ट आएगा हमारे पास. समझ में आया कैसे हुआ? दिस इज द मेन न्यूमेरिकल ऑफ स्टोइकोमेट्री. इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें MgO का मास दिया था, MgO का मोल, और हमसे मास किसका पूछा था? लाइक MgO का. तो पहले तो हमें मोल ही मालूम होगा, मोल से फिर हमने कन्वर्जन कर लिया कि उसके अंदर मास के अंदर. तो जो आपने मोल का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा है पिछले लेक्चर के अंदर, उसी को यहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं. समझ में आ रही बात सबको? ये आप ख़ुद भी बना सकते हैं, इन केस अगर अब आता है तो आप इसको बना सकते हैं कि हाउ टू डू दिस. ठीक, तो मसला क्लियर है यहाँ तक बात? हो जाएगा? घर पे एक बार इसको खुद भी आप प्रैक्टिस किया करें बनाने की, ना एक लेक्चर घर पे देखें, फिर स्लाइड्स वगैरह भी अगर मैं वो बच्चे मुझसे मांगते हैं मैं दे तो देता हूँ, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन आप एक बार खुद से इसलिए प्रैक्टिस भी किया करें. जो अभी क्लासरूम के अंदर तो मैं अक्सर क्वेश्चंस खुद बना देता हूँ, क्योंकि रीज़न ये कि रिकॉर्डिंग चल रही होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं ना, तो उनको आंसर्स जानना पड़ता है कि कैसे आया. उसके लिए मुझे हर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, तो वो इसमें क्या होता है कि कभी कभार, अब ये कि अब आपको घर पे खुद एक बार इसको दोबारा सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई हमें ये चीज़ें क्लियर हो गई. ठीक है ना, चूँकि क्लासरूम में इतना टाइम नहीं होता कि क्वेश्चन को आप भी सॉल्व करें, फिर उसमें टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम ना, तो फिर ये कि क्लास लंबी हो जाती है बहुत सारी. तो अभी इसमें क्या होगा कि आपको क्लियर तो मैं कर दे रहा हूँ, बट कभी कभार कुछ क्वेश्चन बनाने भी देता हूँ कि आप खुद बना लें, बहुत आसान जो होते हैं, जो वीडियो देखने वाले बच्चे भी इजीली बना लेते हैं, तो वो मैं आपको दे देता हूँ बनाने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर एंड गिव्स लीस्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड, कौन सा ये? लिमिटिंग रिएक्टेंट है, सिंपल डेफिनेशन है लिमिटिंग रिएक्टेंट की, सही है, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट. चूंकि वो रिएक्टेंट जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, सबसे कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं. ठीक है बेटा, एनी प्रॉब्लम? ये तो डायरेक्ट रट्टा बेस्ड MCQs था मेमोराइजेशन पर. ठीक, और ये MCQs मुझे खास तौर पे पसंद नहीं आते इस तरह के. मुझे जो है ना सॉल्यूशन वाले MCQs बड़े पसंद आते हैं, जिसको सॉल्व करना पड़े, जिसमें ना थोड़ा सोचना पड़े कि यार ये कैसे होगा, वैल्यू दी जाए फिर वैल्यू में कोई फॉर्मूला लगाया जाए, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं. और आपको भी शायद वही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ये ज़्यादा आसान होते हैं. और ये इसको मैं आपको पता है हर बच्चे इसमें नंबर ले आता है इस तरह के क्वेश्चन में, लेकिन जो न्यूमेरिकल वाले आते हैं ना उसमें बच्चे नहीं ला पाते, फिर वो परेशान हो जाते हैं. उसमें तुक्का भी नहीं लग रहा होता, चूँकि बहुत लग रहा होता है सारा आंसर सही लग रहा होता है उसके अंदर, तो ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. इसमें देखो हर आंसर अलग अलग है ना, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट है. ठीक है, जो मेडिकल आया नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ 500 cm³ ऑफ इथाइन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑटो इज रिक्वायर्ड फॉर एट RTP फॉर कंप्लीट कंबस्टन? RTP मतलब भाई STP को ही हम कह सकते हैं, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो फेडरल बोर्ड में कभी कभार RTP लिखा जाता है, तो सिंध बोर्ड में हम लोग इसको STP ही कहते हैं. तो RTP, STP बोथ आर सेम थिंग्स, नथिंग डिफरेंस हियर.
नेक्स्ट तो क्वेश्चन है 500 cm³ ऑफ इथाइन, तो यहाँ पर बेटा आपको गिवन है, यहाँ पर कर दिया गया इथाइन C2H2 एसिटाइलीन, ऐसा ही है। इसका वॉल्यूम आपको दिया गया 500 cm³, ये वॉल्यूम गिवन है। इस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जा रहा है, बता कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होगा कंप्लीट कम्बस्टन के लिए। इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इक्वेशन दी भी नहीं है, अगर नहीं दी हुई तो बनानी पड़ेगी, आसान इक्वेशन है। इथाइन की कम्बस्टन है, आपको पता है हाइड्रोकार्बन जब भी जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा, दिस यू ऑल नो, ठीक है। दैट इज तो C2H2, आप लोग जितना पीछे बैठते हो आपको चीज़ें दिखती हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, समझ दिखता है क्या क्या लिखा हुआ है, फॉन्ट छोटा तो नहीं लगता आप लोगों को, ठीक है। दिस इज C2H2 प्लस लाइक ऑक्सीजन ठीक है, क्या बनेगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, बैलेंस करना जरूरी है इक्वेशन को, अनबैलेंस इक्वेशन से आपको पता है स्टोइकोमेट्री सॉल्व नहीं होती। यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 2 लगा दिया बेटा, हाइड्रोजन टू बैलेंस, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 4 और 1 5 है, और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, उसको 5/2 कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद बैलेंस तो 5/2 बैलेंस तो हो गया ये, बट फ्रैक्शनल बैलेंस हुआ ना, हम इसको होल नंबर बैलेंस कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, होल नंबर बैलेंस हो जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 यहाँ से ख़त्म हो गया, ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया हमारे पास, ठीक है। दोबारा से अगेन इक्वेशन, यहाँ कह रहे 500 cm³ को बर्न किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बताएं कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का रिक्वायर्ड होगा। मतलब दो चीज़ों का रिलेशनशिप है बेटा, C2H2 और ऑक्सीजन। थोड़ी लंबी कहानी है थोड़ी सी सवाल के अंदर, वन बाय वन सॉल्व करेंगे करके स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारे पास 500, अच्छा यहाँ पर हम इसको ना 2 है ना, इसको हम cm³ dm³ कुछ भी कह सकते हैं, व्हाटएवर कह सकते हैं, 2 cm³ को रिक्वायर्ड हमारे पास है 5 cm³। तो जो 500 cm³ है उसको कितना रिक्वायर्ड होगा, तो x रिक्वायर्ड होगा उसको। अब यहाँ पर हम रेशियो मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई होगा, 2 upon 2 is to 5, 1/1 कर देते हैं, 2 is to 5 equal to 500 is to x, ये डिवीज़न का साइन होता है, 2 divided by 5 is equal to 500 divided by x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2x is equal to 500 into 5 divided by 2, ठीक है बेटा, याद समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले तो किससे मल्टीप्लाई करें, 2 ones are 2 और ये 250 हो जाएगा, और 250 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा बेटा, 1250, ठीक है। बस ये सिंपल कैलकुलेशन है, 1250 वेरी इजी कैलकुलेशन है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है कि सर ये आपको कैसे, क्योंकि सबको आता है सर ये आप कैसे कर लेते हैं, तो ये हर कोई कर सकता है, इसमें कोई नई कैलकुलेशन थोड़ी ना, तो इसमें ना पॉइंट आ रहा है ना कुछ आ रहा है, इसको तो सॉल्व कर सकता है, और वो भी 5 का टेबल 100 5, ये सब तो 2, ये सब तो हर कोई कर सकता है। मुझे जो मसला आता है 7 में आता है, 9 में आता है, मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाता आराम से, लेकिन 5 वाला तो हर कोई सॉल्व कर लेता, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास 1250 cm³ हो जाएगा, 1250 cm³ सी ऑप्शन, ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ। तो ये हमारे पास था वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम गिवन था और वॉल्यूम पूछ रहा था, एक रिएक्टेंट का वॉल्यूम गिवन था इथाइन का, और ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा था कंप्लीट कंबस्शन करने के लिए ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा। समझ में आ गया सबको कैसे आंसर आया इसका, स्टेप बाय स्टेप मैंने देखो सारा पूरा बता दिया आपको, ये वर्बली नहीं आ सकता था ना, ऐसे दिमाग में लगा लेनी, ऐसा नहीं है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा उसको, और अब शीट आपको दी जाती है एम डी कैड के अंदर, आप उसको सॉल्व यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल भी दिया जाता है आपको, आराम से जितना सॉल्व करना आप करो, एक्स्ट्रा शीट भी दी जाती है, ऐसा मसला नहीं, मतलब आप खुद शीट लेकर नहीं जाते, वो शीट आपको प्रोवाइड की जाती है, और वहाँ पर जो पेंसिल है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, पेन व्हाटएवर तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको लेकर घर से नहीं जाना होता, ठीक है। सॉल्व साइड से बात है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो उनको लाजमी आपको जो है वो शीट देनी होती है, वरना आप सॉल्व ही नहीं कर सकते कोई भी न्यूमेरिकल। तो मसला एनी प्रॉब्लम, देखो यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है ना, इसको 2 dm³ भी समझ लेते, 2 cm³ भी समझ लो, तो ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आ रहा होता। हम चाहे बहुत सारे बच्चे इसको इस तरह करते हैं बेटा कि इसको dm³ में कन्वर्ट करके कर रहे होते हैं तो भी वही आंसर आता है, बट हमें आंसर cm³ में दिया हुआ तो हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं थी, सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ गया कि यहाँ तक क्वेश्चन, सबको कुछ पूछना है, नथिंग,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो, एक रिएक्शन भी नीचे बेटा दिया हुआ है आप लोगों को, हेबर्स प्रोसेस, अमोनिया की प्रोडक्शन बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सही बेटा, ये क्वेश्चन आप सबको दी गई है, ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 4 मोल्स ऑफ अमोनिया, दैट्स मोल मोल रिलेशनशिप, दैट्स ईजी, वी कैन डू इट वर्बली इफ यू वॉन्ट। ठीक है, तो ये वर्बली कर सकते हैं, तो बिला वजह सॉल्यूशन की नीड नहीं है। तो नाइट्रोजन और अमोनिया ना बेटा, तो N2 और O2 अमोनिया, इसके बीच रिलेशनशिप है। कितना मोल नाइट्रोजन का चाहिए होगा? 4 मोल अमोनिया बनाने के लिए। तो 2 मोल बनाने के लिए 1 मोल चाहिए, तो 4 मोल बनाने के लिए कितना चाहिए? 2 मोल चाहिए। तो डायरेक्ट आंसर आ गया इसका 2 मोल, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की नीड थोड़ी ना थी, या दो डायरेक्ट देख के पता लग रहा है। जहाँ नीड होती है सॉल्व करने की, हम सॉल्व करते भी, अब जहाँ नीड नहीं है। अच्छा, इसको सॉल्व करके भी आंसर पे आएंगे तो यहीं पहुँचेंगे। ठीक, बढ़िया है, टाइम बचाएगा इससे हमारा, हम बाकी पोर्शंस को, फिर बायोलॉजी को, फिर बाकी फिजिक्स है, इंग्लिश है, उसको टाइम देंगे। यहाँ हम क्यों टाइम वेस्ट करें, चूँकि सिर्फ इंग्लिश केमिस्ट्री तो नहीं आनी ना भाई, सारे पोर्शंस आने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बेंजीन इज बर्न इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर, इट इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज बाय टू CO2 एंड वाटर, इफ 80 ग्राम बेंजीन रिएक्ट्स विद 240 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज डैश। देखो, दो रिएक्टेंट है, दोनों के मासेस दिए गए हैं, पूछा जा रहे हैं कि बताओ लिमिटिंग रिएक्टेंट इसके अंदर से क्या होगा। देखो, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी बेंजीन की, कंबस्शन की। तो बेंजीन की कंबस्शन की इक्वेशन बनाते हैं। बेंजीन हमारे पास होता है C6H6, इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे और ये हमारे पास बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, चूँकि बेंजीन इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सही है, बैलेंस करते हैं, कार्बन 6 है यहाँ पर 6 आ गया, हाइड्रोजन 6 यहाँ पर 3 आ गया, ऑक्सीजन होंगे यहाँ पर 15, यहाँ पर 2 है तो 15/2 कर दिया इसको हमने, फिर 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, होल नंबर बैलेंस हो जाएगा, 2 आ गया, यहाँ पर 12 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा, ये ओवरऑल इक्वेशन बैलेंस है। कह रहे बताएं लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है इनमें से, इसको इसका दोस्त इसका जो है वो आपको कितना दिया हुआ है 80 ग्राम और इसका दिया हुआ है कितना ग्राम 240 ग्राम ऑक्सीजन का। अच्छा, एक मिनट इसको अगर हम देखें, अच्छा अभी हम इसको ना फ्रैक्शनल बैलेंस नहीं करते, उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं, आई थिंक ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कैसे, अभी आपको लग पता जाएगा कैसे इजी हो जाएगा, मैं इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ रहा हूँ। तो बैलेंस दोबारा से लेके आते हैं, यहाँ पर हो गया हमारे पास 15/2, यहाँ पर हमारे पास 6 हो गया, यहाँ पर हमारे पास 3 हो गया। ओके, देखा ये तो हमारे पास बेटा क्या आ गया, C6H6 का जब निकालोगे ना तुम लोग, तो ये हमारे पास 80 आ जाता है, देखो 12 × 6 + 6, तो 12 × 6 = 72, 72 + 6 कितना हो जाएगा 78 ग्राम। ओके, चलो 80 के करीब करीब है। ओके, चलो सही है। उसके बाद 15/2 O2 का निकालते हैं, दैट इज 15/2 × O2 हमारे पास है, दिस इज 32, 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 15 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5 × 6 = 30, 3 × 1 = 3, 4 × 5 = 6, 6 × 1 = 6, 1 × 1 = 1, 0, 2, 1, 2, 20। ऑल राइट, सॉरी, तो 5 × 6 = 30, 5 × 1 = 5, 6, 7, 8, ओके, मल्टीप्लाई बाय 1, 6 × 1 = 6 और ये 1, ओके, 0 और 6 × 6 = 12 और 240, ओके। तो अच्छा, 78 ही आ रहा है, 6 × 6 = 6, 80 ग्राम दिया हुआ है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा जो पहले ख़त्म हो जाएगा, 240 ग्राम यहाँ पर ऑक्सीजन है और 78 ग्राम ये है, 80 ग्राम चाहिए होता है ना, तो आई थिंक यहाँ पर क्वेश्चन में, ओके एक मिनट, When benzene is burned in free supply of air, it is completely oxidized to CO2 and water.
इफ 80 ग्राम बेंजीन रिएक्ट्स विद 440 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देन द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज। वैसे यहाँ पर ये तो सवाल के अंदर थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें ये लग रहा है ना कि सी ऑप्शन किस क्लास से नहीं हो सकता, चूँकि बेंजीन पहले ख़त्म हो जाएगा 78 ग्राम, ये काम है ठीक है, ये पहले ख़त्म होगा हमारे पास, उसके बाद ऑक्सीजन हमारे पास बाद में ख़त्म होगा, क्योंकि 78 ग्राम बेंजीन को 240 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए रिएक्शन करने के लिए ठीक है। और यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है कि 78 ग्राम है ना, तो यहाँ पर ये पहले ख़त्म हो जाएगा, तो इसको अगर हम या तो 80 वहाँ पर 78 ग्राम अगर हम कर दें बेंजीन को इधर पर, अगर इसको हम 78 ग्राम कर दें तो क्या होगा, दोनों के दोनों जो है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कोई नहीं होगा फिर, क्योंकि ये भी और ये भी दोनों एक साथ ख़त्म होंगे इतने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाकर। तो ये सवाल में थोड़ा सा मसला है, अगरचे 2 ग्राम का फ़र्क आ रहा है लेकिन फ़र्क आ रहा है, 1 ग्राम का भी फ़र्क आता है लिमिटिंग रिएक्टेंट में, तो उसको हमें नोट करना पड़ता है ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट आपसे पूछ रहे थे कौन सा है, तो अगर हम देखेंगे 78 ग्राम बेंजीन को 240 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होता है, कम्प्लीटली दोनों आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, तो क्या होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, दोनों ही इक्वली कंज्यूम हो जाते हैं, कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं, ना कोई लिमिटिंग है ना कोई एक्सेस है। हाँ अगर ऐसा होता है एक बचा रह जाता ना, अगर ये अगर हम यहाँ पर लिखते ना अगर 80 ही मान लेते तो यहाँ पर ये बेंजीन हमारा लिमिटिंग हो जाता और ऑक्सीजन बचा रह जाता, वो एक्सेस रिएक्टेंट हमारे पास हो जाता ठीक है। तो सवाल थोड़ा चेंज कर लेते हैं उसको, तो टाइपिंग के वक्त कभी कभार आगे पीछे हो जाती है सब क्वेश्चंस के अंदर, तो बस समझ में आ गई बात। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है, द रिएक्टेंट विच फॉर्म्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या विच इज कंज्यूम फर्स्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, जो जल्दी ख़त्म हो जाता है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है ठीक है। तो यहाँ पर बेंजीन जल्दी ख़त्म होगा अगर हम इसको अगर हम यहाँ पर उसको 80 ग्राम ले लेंगे तो ठीक है, मसला सब समझ में आ गए, ऑलरेडी आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म व्हेन 8 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, बताया जरा। हवाई चल रही है, यहाँ नहीं गिरेगा कुछ भी टेंशन नहीं लो, ओके बताएं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म व्हेन 8 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ठीक है। तो मीथेन की बर्निंग करने की जा रही है, मीथेन को जलाया जा रहा है, मीथेन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, सिंपल सी बात है, दैट सी एच फोर प्लस ओ टू, ये हमारा बनेगा सी ओ टू प्लस एच टू ओ ठीक है बेटा, ओके। सो बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पर टू आ जाएगा बस और क्या, और यहाँ पर भी टू आ जाएगा ठीक है। तो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म एंड 8 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो मीथेन यहाँ पर आ गया और यहाँ पर क्या मालूम करना है बेटा वाटर, तो हमें ये पता है कि 16 ग्राम से कितना बन रहा है 36 ग्राम बन रहा ही है, तो 8 ग्राम से कितना बनेगा, इसका आधा बन जाएगा, तो 36 का हाफ कितना होता है 18 ग्राम, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब रेशो मेथड नहीं भी लगाएंगे चूँकि हाफ हो रहा है तो यहाँ से भी हाफ हो जाएगा ठीक है बेटा 18 ग्राम सही है, कोई मसला नो इश्यूज, आगे बढ़े। नेक्स्ट इन द रिएक्शन दिस रिएक्शन गिवन है, व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर मेड टू रिएक्ट टू कंप्लीशन देन व्हाट हैपेंड, अगर कहते हैं कि अगर 1 मोल अमोनिया का 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो हमारे पास कि फिर क्या होगा, 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा, ऑल द ऑक्सीजन इज कंज्यूम, 1 मोल ऑफ एनओ इज फॉर्म्ड, ऑल द अमोनिया इज कंज्यूम्ड, दोनों का एक एक मोल लेंगे तो क्या होगा, देखो 4:5 का रेशियो है ना बेटा, 4:5 का रेशियो है कि 4 मोल अमोनिया को 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए, और दोनों को अगर हम 1:1 मतलब ऐसे लॉजिकली अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या होता है कि 4 और 5 है ना, ये 4 मोल को चाहिए 5 मोल, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए अमोनिया कम चाहिए, 4:5 का रेशियो है, अगर दोनों को अगर हम 1:1 मोल ले लेंगे, ये भी 1 मोल हमारा आ जाएगा और अगर हमारा ये भी 1 मोल आ जाएगा,
तो जल्दी हमारा कौन सा ख़त्म हो जाएगा? ऑक्सीजन के अमोनिया। देखो चार मोल को पांच मोल चाहिए ना, तो अगर दोनों को वन वन लेंगे तो जल्दी कौन सा कंज्यूम, जल्दी पहले कौन सा हो जाएगा जो ज़्यादा रिक्वायर्ड है? ज़्यादा क्या रिक्वायर्ड है? ऑक्सीजन ज़्यादा रिक्वायर्ड है ना, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। नाइट्रोजन हमारे पास क्या हो जाएगा, अमोनिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, सिंपल यहाँ पर बस इस रिलेशन को देखो, शॉर्टकट बता रहा हूँ कैसे होगा। चार मोल को पांच मोल चाहिए ना, तो मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मोल्स के लिहाज से रेशो वाइज ज़्यादा है ना, 4:5 का रेशो है। तो अगर दोनों को वन वन लेंगे, तो अब दोनों को अगर वन वन लिया तो ये क्या होगा कि जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वो पहले ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन अमोनिया बचा रह जाएगा, तो ऑल द ऑक्सीजन इज़ कंज्यूम, सारा ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगा पहले। समझ गए? तो लॉजिकली इस तरह से आप सेकंडों में इसका आंसर बता सकते हैं रिलेशनशिप निकाल कर। बाकी हम इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, बट वो चार पाँच मिनट पर उसमें लगेंगे आपके, उससे बेहतर है आप डायरेक्टली बता दो। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसी की भी नहीं होगी क्योंकि पहले ख़त्म हो चुका होगा एक सब्सटेंस। अब सी कितना मोल बनेगा अगर हम तीन मोल ए और चार मोल बी लेंगे, तो इसको देखो मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर हम तीन मोल ए लेंगे तो सी तीन मोल बन जाएगा क्योंकि 1:1 का रेशो है। बहुत आसान है, सॉल्व करो। देखो चार मोल बी अगर लेंगे तो सी कितना मोल, दो से एक मोल बन रहा है, तो चार मोल से कितना बनेगा, दो मोल सी का बनेगा। तो कम अमाउंट ऑफ फ्लोराइड कौन बना रहा हमारे पास है, ए बना रहे कि बी बना रहे? बी बना रहे ना, तो बी हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो बी के लिहाज से जो सी बनेगा वो बनेगा एक्चुअल यील्ड जो हमारे पास आएगी। तो बी हमारा कितना बना रहे, दो मोल बना रहे ना, तो दो मोल ही हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, चूंकि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट बनाता है वही हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट होता है, एक्सेस वाले से कभी हम नहीं निकालते। तो तीन मोल कभी नहीं बन सकता है ये, चूंकि यह हमारा बी पहले ख़त्म हो चुका होगा बनने से पहले, ऐसा ही है ना। उसको इस तरह सॉल्व करके हम बता सकते हैं, वर्बली भी बता सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बारिश का थोड़ा मौसम वगैरह होगा ना, तो मैं थोड़ा जल्दी ख़त्म कर दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हवाएं वगैरह चल रही है तो शायद बारिश हो जाए, तो बेहतर जल्दी क्लास ख़त्म। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईल्ड दैट कैन बी ऑब्टेन थ्रू एक्सपेरिमेंट, कौन से ईल्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्टेन होगा बताओ, थ्योरेटिकल एक्चुअल कैलकुलेटेड ऑल ऑफ दिस। यस, कौन सा ईल्ड आता है जो प्रैक्टिकल के थ्रू कैलकुलेट होता है, हम उसको प्रैक्टिकल ईल्ड भी कहते हैं और हम इसको एक्चुअल ईल्ड भी कहते हैं, दोनों कहलाए जा सकते हैं। ठीक है, बोथ आर सेम, सही है। जो एक्सपेरिमेंट और जो हम सेशोमेट्रिक से कैलकुलेट करते हैं वो हमारा क्या होता है बेटा, थ्योरेटिकल ईल्ड होता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 ग्राम ऑफ सी ए ओ इज प्रोड्यूस्ड इफ 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रोस्टेड, फाइंड परसेंटेज ईल्ड। अब परसेंटेज ईल्ड वाले क्वेश्चन में बच्चे थोड़े फंस जाते हैं कि सर ये परसेंटेज ईल्ड कैसे होता है। अगर ये फेडरल बोर्ड का क्वेश्चन होता है, लेकिन कर लेते हैं, तो मैंने बताया था कि जो वैल्यू ज़्यादा आती है हमेशा वो नीचे रहते हैं, थ्योरेटिकल ईल्ड हमेशा ज़्यादा आता है तो वो नीचे रहता है। तो ये हमारा आ गया यहाँ पर थ्योरेटिकल ईल्ड, और ऊपर क्या आ गया, प्रैक्टिकल ईल्ड या फिर एक्चुअल ईल्ड। तो जो गिवन होता है बेटा हमारे पास वो एक्चुअल ईल्ड होता है, प्रैक्टिकल ईल्ड होता है। ठीक है, तो 7 ग्राम CaO प्रोड्यूस कर रहा है 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो 50 ग्राम आ रहा है हमारे पास, ये हमारा प्रैक्टिकल ईल्ड आ रहा है। तो इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो CaCO3 की रोस्टिंग करेंगे, CaO प्लस CO2, कोई मसला नहीं, अरे कोई मसला नहीं, बच्चे भी रुकेंगे हम भी रुक जाएंगे। ठीक, ओके, CaCO3 ये हो गया हमारे पास CaO प्लस CO2। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमारे पास ये दो चीज़ों में रिलेशनशिप आ गई। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए हमें यहाँ पर 40 प्लस ये 56 ग्राम चाहिए, तो 56 ग्राम कितना बना रहा है, 100 ग्राम बना रहा है, मतलब 56 ग्राम बनाने के लिए हमें 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। और सवाल में क्या कह रहा है, अगर 7 ग्राम CaO लेंगे तो कितना बनाएगा, कुछ तो बनाएगा, x ग्राम बनाएगा। तो हम यहाँ पर इसकी क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे किसके थ्रू, लाइक वही रेशो मेथड के थ्रू। ये हो जाएगा 100:56 = x/7, तो 100/56 = x/7, ये 100×7 = x×56, तो x बराबर हो गया 100×7/56, सही नहीं हुआ,
50 ग्राम ये प्रैक्टिकल इल्ड, इसका काम अभी है ही नहीं, ये तो हमारा प्रैक्टिकल इल्ड यहाँ आएगा। पहले हम थ्योरेटिकल इल्ड तो मालूम करें ना बेटा कि 7 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड से असल में बनेगा कितना CaCO3। ये तो प्रैक्टिकल करके बता रहे इतना बना है, प्रैक्टिकल इल्ड, एक्चुअल इल्ड तो हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगी, 7 के टेन में 56 आता है, किसमें आता है 7 8 56। ओके, ये 2 4 8 और ये 50 हो गया, 2 2 4 और ये 25 हो गया, और ये कितना हो गया 12.5 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास 12.5 ग्राम हमारे पास आ रहा है जो एक्चुअल में आ रहा है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रैक्टिकली हमारे पास है 50 और ये नीचे बेटा 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास जो ईल्ड निकली है हमारी कैसे निकली, थ्योरेटिकल ईल्ड, ठीक है बेटा। तो 12.5 वन ज़ा 12.5 और 12.5 फोर ज़ा 50, आई थिंक उल्टा रख दिया मैंने, सॉरी। ये हमारे पास आ गई, दैट इज़ थ्योरेटिकल ईल्ड जो है ना वो हमेशा काम आती है, और फॉर्मूला मैंने रिवर्स कर दिया इसके अंदर। नीचे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर प्रैक्टिकल ईल्ड और ऊपर आ जाएगा हमारे पास जैसे थ्योरेटिकल ईल्ड, अब सही है। तो थ्योरेटिकल ईल्ड हमारे पास कितना है बेटा, थ्योरेटिकल ईल्ड जो हमने निकाला है यहाँ पर 12.5 डिवाइडेड बाय प्रैक्टिकल ईल्ड कितना हमारे पास 50। अब कर लेते हैं बेटा, ये 4 हो गया और ये 4 वन ज़ा 4 और 4 के टेबल में आएगा 100, 2 से कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 50, 2 वन ज़ा 2 और ये 25। तो इसका मतलब हमारे पास जो बन रहा होगा ऑप्शन बी 25% हमारे पास आ रहा होगा। फिर से बता दूँ, अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगा ये सवाल, ये फेडरल बोर्ड में आता है, पंजाब बोर्ड में आता है परसेंटेज ईल्ड। तो यहाँ पर जो बेटा गिवन किया गया ना आपको, ये गिवन किया गया आपको प्रैक्टिकल ईल्ड। तो हमने सबसे पहले थ्योरेटिकल ईल्ड कैलकुलेट कर ली कि थ्योरेटिकली असल में कितना कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है 7 ग्राम से। फिर थ्योरेटिकल ईल्ड निकालने के बाद फिर हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई करके परसेंटेज ईल्ड की कैलकुलेशन कर ली, सही है। तो मसला देख लें इसको सॉल्व कैसे हुआ। हो गई बारिश, बस कितनी सी, उधर तो पूरा सैलाब आ जाएगा बारिशों में, तू डूब जाएगा कराची, और यही बारिश 2 मिनट की, इस बार बारिश नसीब में नहीं है कराची की। सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं, बोला क्लास कैंसिल करेंगे, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, और बोला क्लास के टाइम ही आ गया, सूख गए बारिश इंतज़ार करते करते। वरना मेरा 100% प्लान था कि क्लास कैंसिल करनी है, क्यों, चूँकि बारिश हो जाएगी। वेदर पेज वाले इतना चिल्ला रहे थे कराची के बारिश है बारिश है, हाँ सब कुछ हो गया, शाम हो गया, रात में ना 11-12 बजे बारिश होगी, तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है। आप सोए होंगे, बारिश चल रही होगी, उठेंगे तो सब खत्म बारिश, तो पता पड़ा कराची में मौसलाधार बारिश, यही हो रहा ना आजकल, तो रातों पे बारिश हो रही जब सो जा रहे हो, सुबह उठ रहे जिस वक्त बारिश की ज़रूरत है, दिन में आप गर्मी, बारिश ही नहीं, उल्टा ही साफ। तो फ़ायदा क्या ऐसी बारिश का, बारिश का इन्जॉय तो मतलब तब करे जब दिन में हो ना, रात में कौन इन्जॉय करता। इस बारिश को भी वेदर पेजेस वाले कराची के बोलेंगे मौसलाधार बारिश हो गई, हमने पेशन गोई की थी कि ऐसी बारिश के देखे बारिश हो गया, अरे यार एक कौन सी बारिश हुई, मतलब पहले जितना ज़्यादा वेदर पेजेस आ गए ना फेसबुक पे इधर उधर ना, उतनी ज़्यादा बारिश कम हो गई। पहले जब कोई कुछ नहीं बोलता था तो बहुत बारिश हो रही थी कराची में, नज़र लग गई इसकी वजह से, सही बता रहा हूँ मैं आपको। पहले कोई पेशन गोई वेशन गोई नहीं होती थी, इंतज़ार नहीं होता था, कुछ नहीं पता होता भाई बादल आ गया, बारिश हो गई, दिन भर चल रही है। अब तो पहले से एक हफ्ता पहले से बोलते हैं, उसके बाद होती नहीं बारिश, ऐसी है ना। चलो ठीक है, समझ में आ गया सब, वो कैसे हुआ तो मसला, आगे बढ़े। तो वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है परसेंटेज ईल्ड, क्योंकि सिंपल, लेकिन PMDC सिलेबस के अंदर है परसेंटेज ईल्ड का टॉपिक लाइक, बट लेकिन सिंध बोर्ड में नहीं आता ये, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन डैश, केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है, मतलब कौन सा केमिकल रिएक्शन ज़्यादा यूजफुल होता है, एफिशिएंट होता है, जिसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जैसा प्रोडक्ट ज़्यादा मिले, सिंपल सी बात है, हर कोई यही चाहता है प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए सबको, जितना ज़्यादा अच्छा ज़्यादा पॉइंट प्रोडक्ट का मिल रहा है उतना ज़्यादा एफिशिएंट हमारा केमिकल रिएक्शन है। हम ये भी कह सकते हैं परसेंटेज ईल्ड जिसके ज़्यादा हो वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, दैट्स इट। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, समझ में आ गई बात। 29 को मसला, नो इशूज। क्वेश्चन 30 है, इफ़ द रिएक्शन ऑफ 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 3.3 ग्राम ऑफ CO2, व्हाट इज द परसेंटेज ईल्ड। ठीक है, 9 ग्राम
वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं आप इसमें, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, 1 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए था उसका। 9 ग्राम बेंजीन सॉरी ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा है 3.3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, परसेंटेज यील्ड कितनी है? सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 9 ग्राम से कितना थ्योरेटिकली आएगा, ये तो परसेंटेज यील्ड लिखी हुई है, इसको हटा दो अभी, इसका कोई काम ही नहीं है। तो 180 ग्राम ये हमारे पास बनाएगा 88 ग्राम, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा ही है। 9 ग्राम कितना बनाएगा, ठीक है, तो चलो रेशो मेथड लगाते हैं, 1 ग्राम बना लेगा, ठीक है ना। तो 180/88 इज इक्वल टू 9/x, तो 180x इज इक्वल टू 9×88, x इज इक्वल टू 9×88 डिवाइड बाय 180, ऐसा ही है। तो 9×1=9, 9×2=8 और 0 आ गया, ठीक है बेटा। इसके बाद 2×10=20, उसके बाद 44, 2×5=10 और ये 22, ये आ रहा है क्या पॉइंट में आ रहा है x, 5×1=5, 4 मान लेते हैं यार, चलो 4×20, ठीक है। इसको यहाँ पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, वी नीड टू सॉल्व इट हेयर। तो परसेंटेज यील्ड मतलब 4 point something आएगा ना, तो 22/5 है ना, पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं, दैट्स 22 और ये 5, 5×20, यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया, पॉइंट लगा के 0 किया, 5×4=20, मतलब 4.4 आ रहा है ना एक्यूरेट अगर हम आएंगे तो। साइलेंट और डिस्कस प्लीज, डोंट डिस्कस। 4.4 आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा परसेंटेज यील्ड, तो सबसे ऊपर हमारे पास क्या चीज़ ऊपर आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू 3, जो वैल्यू नीचे है ऊपर आएगी 4.4, नीचे आएगी 3.3 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आ रहा है इसका आंसर, पॉइंट हटाना पड़ेगा, पॉइंट हटा दें, पॉइंट